हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में लोग जो है ट्रिपल एम के फीस के बारे में बात करेंगे, लेटरल एंट्री स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि कोविड-19 के चलते जो है आपका ट्रिपल एम फीस में इस बार कुछ छूट दे रहा है, वो छूट कितना है और टोटल फीस कितना पेड करने पड़ेगा, इसके बारे में लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिवाइज्ड फीस स्ट्रक्चर कोविड-19 रिबेट। रिबेट मीन्स होता है छूट। रिबेट मीन्स क्या होता है? छूट होता है, छूट। आप बीटेक सेकंड ईयर लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स एडमिटेड इन सेशन 2020-21, मतलब 2020-21 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको फीस में कुछ छूट दिया जा रहा है, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। जैसे ट्यूशन फीस की बात करें, पहले 55,000 था, अब भी 55,000 ही है ट्यूशन फीस। रजिस्ट्रेशन एडमिशन फीस 200 था, ये भी 200 है। और आपका यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फी 1,000 पहले था, 1,000 अब भी है, मतलब ये टोटल 56,200 पहले भी था, ये अब भी है। लेकिन हॉस्टल फीस में रियायत दी जा रही है। पहले हॉस्टल फीस भी रूम रेंट 4,800 का था, 960 मनली लग रहा है। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का 6,300 था, 3,150। अगर ओवरऑल बात करें हॉस्टल फी की, पहले 22,400 था, अब 13,210 लग रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन चार्ज की, पहले आपका 6,200 पहले भी था, 6,200 अब भी है, केवल आपका यहाँ पे जो है हॉस्टल वाले में छूट मिला है। और अगर और हम फीस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फी 1,500 है तो यहाँ पे 375 हो गया। यूनिवर्सिटी डे फीस यहाँ पे 400, ये 2,200 आपका स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड मैगजीन्स आपका 2,200 था, यहाँ पे 1,100 है। तो टोटल ये वाला जो यूजर चार्जेज है, ये पहले था 18,500 था, कितना था पहले 18,500 था, अब 12,025 हो गया। अब कितना हो गया? 12,025 हो गया है। और अदर चार्जेज जैसे आपका कासन मनी, पहले 5,000 था, अब भी 5,000 ही है, मतलब ये 6,700 पहले भी था, 6,700 अभी है। तो पहले के टाइम पे, मतलब 2020 के पहले जो सेशन था, 2019-20 वाला था, वहाँ पे जो टोटल फीस लग रही थी 1,10,000 लग रहा था हॉस्टल वालों का, और जो हॉस्टल नहीं लेते थे उनका लग रहा था 94,335 रुपये लगता था। इसमें मेस चार्ज इंक्लूड नहीं है, लिखा है एक्सक्लूडिंग मेस एडवांस, मतलब जो आप लोग जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनका मेस का अलग से पर सेमेस्टर लगता है, वो इसमें शामिल नहीं, उसको छोड़ करके पहले 1,10,000 फीस था और अब 94,335 हो गया। अब लेकिन जो बच्चे आपका हॉस्टल नहीं लेते हैं, डे स्कॉलर होते हैं, उनके लिए जो है, जो बाहर रहते हैं हॉस्टल नहीं रहते, उनके लिए पहले फीस आपका जो है 90,000 था, अब जो लग रहा है 81,725 ही लग रहा है। तो यहाँ पे आपका फीस जो है, अगर हम लोग देखें ट्रिपल एम का फीस, जैसे जो बच्चे अभी तक ये देख रहे थे कि AKTU में फीस सस्ता पड़ रहा था, जैसे इस समय देखें IIT लखनऊ का फीस लगभग आपका 89,000 या 84,000 के आसपास है, या KNIT और BIT का देखेंगे तो उसका भी फीस आपको अब ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसकी तुलना में पहले के टाइम पर ट्रिपल एम का फीस ज़्यादा लगता था, इस नाते बहुत सारे बच्चे फीस की वजह से ट्रिपल एम ने लेकर के KNIT या BIET प्रीफर करते थे, फीस की वजह से ओनली। लेकिन कॉलेज आपका ट्रिपल एम इन दोनों की तुलना में बेटर माना जाता है, तो उसके हिसाब से देखें। अब चूँकि इस बार कोविड की वजह से फीस कम लग रहा है, तो आपका जो अभी खास करके जो एडमिशन होगा सेकंड ईयर में, वहाँ पे फीस आपको यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो जो बच्चे फीस की वजह से AKTU में जा रहे थे, मतलब IIT को छोड़ करके अदर कॉलेज में, अगर उनको ट्रिपल एम में मिलता है तो यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीस में कोविड-19 के चलते उनको छूट देखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।